हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद किसी एक ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 200 दिनों के बराबर है, तो किसी अन्य ग्रह पर एक दिन महज 9 से 10 घंटे का है ना? चौंकाने वाली बात, लेकिन ये सच है। जी हाँ दोस्तों, हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे और एक साल 365 दिनों का होता है। लेकिन बात करें अगर सोलर सिस्टम में मौजूद अन्य ग्रहों की, तो वहां पर दिन और साल पृथ्वी के जैसे नहीं है, बल्कि अलग अलग होते हैं। कुछ लोग तो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा ही लगता है कि सभी ग्रहों पर दिन रात पृथ्वी के समान ही है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोलर सिस्टम में मौजूद हर ग्रहों पर अलग समय सीमा के तहत दिन और साल होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो के माध्यम से हम यही जानते हैं कि सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी ग्रहों पर दिन और साल कितने समय के होते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, ग्रहों की अपनी धुरी पर घूमने की वजह से सूर्य की रोशनी के पड़ने और ना पड़ने के हिस्से के अनुसार दिन और रात होती है। कोई भी ग्रह अपनी धुरी पर जितनी देर में एक चक्कर पूरा करता है, उसके हिसाब से एक दिन और जितने समय में वो सूरज की एक परिक्रमा पूरा करता है, उसके हिसाब से उसे ग्रह का एक साल निर्धारित होता है। आज हम अपने सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों के बारे में इसी आधार पर ये जानेंगे कि अलग अलग ग्रहों पर दिन रात कितने समय में और एक साल कितने दिनों का होता है। तो चलिए इसकी शुरुआत हम अपने सोलर सिस्टम के आखिरी यानी कि आठवें ग्रह वरुण से करते हैं और अंत में बुध ग्रह पर इस वीडियो को खत्म करेंगे। वरुण ग्रह सोलर सिस्टम का आठवां और आखिरी ग्रह है वरुण। इसे अंग्रेजी में नेपच्यून कहते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज 1846 में की गई थी। ये ग्रह हमारे पृथ्वी से लगभग 4 गुना ज्यादा बड़ा है और इस ग्रह की अपनी कोई ठोस सतह नहीं है। जी हाँ, ये एक गैस जॉइंट है। डायमीटर के अकॉर्डिंग ये सोलर सिस्टम में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। बता दें कि वरुण ग्रह हाइड्रोजन हीलियम मीथेन गैस से मिलकर बना है। इसके पास 14 उपग्रह यानी कि चंद्रमा है। अब बात करें अगर वरुण ग्रह की, तो इस बारे में कि यहाँ एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर है, तो दोस्तों वरुण ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 16 घंटों के बराबर है, जबकि वरुण ग्रह को सूरज की परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी के लगभग 164.69 वर्ष जितना समय लगेगा। यानी कि वरुण ग्रह पर एक साल पृथ्वी के 164.69 वर्षों के बराबर होता है। नंबर 7, अरुण ग्रह। सोलर सिस्टम में मौजूद सूरज से 7वें ग्रह पर है अरुण। इसे अंग्रेजी में यूरेनस कहा जाता है। दोस्तों, ये ग्रह अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है, यानी कि पूरब से पश्चिम दिशा की ओर। इसकी खोज 1781 में हुई थी और ये भी वरुण ग्रह की तरह एक गैस जाइंट है, यानी कि इस ग्रह की अपनी कोई ठोस सतह नहीं है। ये ग्रह भी आकार में पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है और इसके आसपास वरुण से 13 उपग्रह ज्यादा हैं, यानी कि अरुण ग्रह के पास कुल 27 चंद्रमा है। दोस्तों, अरुण ग्रह भी मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर ही बना है। बात करें यहाँ एक दिन और एक साल की, तो अरुण ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 17 घंटे और 14 मिनट के बराबर है, यानी कि इतने समय में अरुण ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है, जबकि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में अरुण ग्रह को 30,687 पृथ्वी दिनों का समय लगेगा। कुल मिलाकर अरुण ग्रह पर एक साल पृथ्वी के 84 सालों के बराबर है। नंबर 6, शनि ग्रह। अंग्रेजी में सैटर्न से नाम से जाने वाले शनि ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये अपने छल्लों के लिए काफी प्रसिद्ध है, जो इसे सौर मंडल के सबसे खूबसूरत ग्रहों में से एक बनाता है। दोस्तों, अनोखा दिखने वाला ये शनि ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के लगभग 11 घंटों के बराबर होता है। जी हाँ, शनि ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है। और रही बात सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने की, तो दोस्तों शनि ग्रह सूर्य का एक चक्कर 10,759.22 पृथ्वी दिनों में पूरा करता है, यानी कि शनि ग्रह पर एक साल पृथ्वी के लगभग 29.457 वर्षों के बराबर है। दोस्तों, शनि ग्रह की भी अपनी कोई ठोस सतह नहीं है। ये ग्रह भी एक गैस जाइंट है और सबसे खास बात यह है कि अगर शनि ग्रह को किसी बड़े समुद्र में रख दिया जाए, तो भी ये उसमें डूबने के बजाय तैरने लगेगा। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि शनि का घनत्व 0.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो कि पानी के घनत्व से भी कम है। नंबर 5, बृहस्पति। अब बारी है हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की, जिसे अंग्रेजी में जुपिटर कहा जाता है। दोस्तों, ये भी एक गैस जाइंट है जिसकी कोई ठोस सतह नहीं है, लेकिन इसका मास बेहद ही हैरान कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों,
सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों के कुल मास से भी 2.5 गुना अधिक मास केवल जुपिटर का ही है। ये इतना विशाल है कि इसमें 1300 पृथ्वी आसानी से समा सकती हैं। बात करें अगर बृहस्पति ग्रह के एक दिन और एक साल की, तो दोस्तों बृहस्पति ग्रह अपनी दूरी पर 10 घंटों में एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी कि एक दिन पृथ्वी के 10 घंटों के बराबर है, जबकि सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसे 4331 पृथ्वी दिनों का समय लगेगा, यानी कि यहाँ एक वर्ष पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर है। दोस्तों बता दें कि बृहस्पति ग्रह 12 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, और इसीलिए सनातन धर्म में हर 12 साल बाद कुंभ का मेला आयोजित होता है, जिसमें सूर्य और बृहस्पति ग्रह काफी महत्वपूर्ण है। नंबर 4, मंगल। सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है मंगल, जो कि पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है। दोस्तों मंगल ग्रह आकार के मामले में बिल्कुल पृथ्वी जितना ही है, यानी कि यहाँ सतह है और पर्वत पृथ्वी जैसे ही हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों का शुरू में यह मानना था कि यहाँ पर इंसानों को बसाया जा सकता है। दोस्तों मंगल ग्रह की सतह की मिट्टी लाल है और अंतरिक्ष में भी ग्रह लाल ही दिखता है, इसीलिए इसे रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। बात करें यहाँ एक दिन और एक साल की, तो बता दें मंगल ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर 25 घंटे में पूरा करता है, यानी कि पृथ्वी के 25 घंटों के बराबर यहाँ एक दिन होता है, जबकि सूर्य का चक्कर पूरा करने में मंगल को 687 पृथ्वी दिनों का समय लगेगा। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह पृथ्वी की तुलना में लगभग पृथ्वी के 2 वर्षों जितना समय में सूरज की परिक्रमा पूरा करता है, यानी कि यहाँ एक वर्ष पृथ्वी के लगभग 23 महीनों के बराबर है। नंबर 3, पृथ्वी। दोस्तों पृथ्वी तो अपना घर ही है, ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत ग्रहों में से एक है। अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी काफी ज्यादा नीली दिखाई पड़ती है, और इसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद अधिक पानी है। दोस्तों पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। यहाँ का एक दिन 24 घंटे और एक साल 365 दिनों का है। हालांकि हर दिन यहाँ 6 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड्स शेष रह जाते हैं, और इसी से ही हम हर चौथे साल जोड़कर फरवरी में एक दिन बढ़ा देते हैं, जिसमें कि उस चौथे वर्ष फरवरी 29 डेज जो कि अभी ये चल रहा है, वो वर्ष पृथ्वी पर लीप ईयर के रूप में जाना जाता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। नंबर 2, शुक्र ग्रह। अब बात करें हमारे सोलर सिस्टम के सबसे गर्म ग्रह, जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह की, जिसे अंग्रेजी में वीनस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों शुक्र ग्रह भी अरुण ग्रह की तरह अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर उल्टा घूमता है, और इसे अपनी धुरी पर पूरी तरह से घूमने में पृथ्वी के 5832 घंटों का समय लगता है, यानी कि शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 248 दिनों के बराबर है, जबकि सूर्य का एक चक्कर 225 दिनों में पूरा कर लेता है। इस प्रकार शुक्र ग्रह पर एक साल पृथ्वी के 225 दिनों के बराबर है। नंबर 1, बुध ग्रह। दोस्तों बात करें सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध की, सूरज के सबसे नजदीकी होने के साथ ही ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। ये अपनी धुरी पर एक चक्कर पृथ्वी के लगभग 1408 घंटे जितना समय में पूरा करता है, यानी कि यहाँ एक दिन पृथ्वी के 98 दिनों के बराबर है। रही बात सूर्य की परिक्रमा की, तो दोस्तों ये सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी के 88 दिनों में पूरा करता है। इस प्रकार से बुध ग्रह पर एक साल पृथ्वी के लगभग 88 दिनों के बराबर हुआ। तो दोस्तों इस तरह से आपने आज की वीडियो के माध्यम से हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों के बारे में जान लिया कि वहाँ एक दिन और एक साल पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर है। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।